किए पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो किए पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आइए नारायण काका। माफ करना बेटा, वो आने में थोड़ा। अरे काका, मैं भी बस अभी आया हूँ, आइए बैठिए। पहले चाय पीते हैं। इमरान भाई, दो चाय। रेखा कैसी है काका? तुम तो जानते हो बेटा, समझ नहीं आ रहा वो कैसे। ये लीजिएगा। आखिर वो है तो मेरी बेटी ही ना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। पूरा गांव मुझसे और तुम्हारी काकी से नफरत करने लगा है। मैं तो नहीं करता। और जहां तक उन बाकी लोगों का सवाल है, तो उनकी तो बात सोचकर ही मुझे तरस आने लगता है, जो बिना बात को समझे पागलों की तरह एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। पता नहीं रेखा को कैसे। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं बेटा, शायद तुम मुझे सही रास्ता दिखा सको। देखो काका, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, रेखा को किसी भी तरह की दया या हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे जरूरत है तो वो है हौसले की, आपके और सीता काकी के प्यार की। HIV होने के बाद भी हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। आज अगर मास्टर जी, सरपंच जी, शबनम, इमरान ये लोग ना होते ना, तो मैं भी घुट घुट के जिंदगी जी रहा होता। ये इन्हीं का साथ, इन्हीं का दिया वो हौसला था जिसने मुझे फिर से गर्व और सम्मान से जीने की हिम्मत दी। और सबसे ज्यादा मदद मुझे मिली ICTC से। ICTC? हाँ काका, वहीं जाकर तो मेरी आंखें खुली। ICTC में HIV और उससे संबंधित हर एक बात की पूरी जानकारी दी जाती है। तो जाएंगे ना आप ICTC? बस बस हो गया। नव्या रहते हैं यहाँ, कुछ अपने रहते हैं। अरे कौन सा गाना है ये? दो दिन से पूरा घर गा रहा है। अरे जब से प्रीतु से सुना है दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। हाँ भैया, इट्स अ लवली सॉन्ग। इसके शब्द, इसकी धुनें सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ कुछ सपने रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं। बढ़िया गाना है, बिल्कुल इस लड्डू की तरह। पापा को ये बहुत पसंद है लड्डू। पापा को चलना फिरना भी उतना ही पसंद था, वो तो तुम्हें याद है नहीं? अरे ये तो खान दे मुझे। मम्मी मुझे भी लड्डू दे दो। कभी कभी पापा की बहुत याद आती है। मुझे भी। पापा थे तो मैं एक बाप होने के बाद भी अपने आप को बच्चा ही समझता था, और अब वो चले गए हैं तो देखो मैं एकदम से बड़ा हो गया, इस घर का बड़ा बन गया। आज मुझे एहसास होता है कि किसी भी घर में एक बड़े आदमी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज अचानक ऐसा क्यों लगा आपको? सैवी, पापा कभी नहीं चाहते थे कि तुम राजपुरा वापस जाओ। पर आज मैं सोचता हूं तो। भैया, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पापा की किया करती थी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे उन्हीं की तरह सपोर्ट करेंगे। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है भाई?
कॉल फ्रॉम राजपुरा। राजपुरा? मेरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने मेरे काम को अच्छा और सही बताते हुए मुझे राजपुरा सब सेंटर में वापस ज्वाइन करने के लिए कहा है। I'm so happy. मेरे जाने तक कज़री की होम वेरिफिकेशन भी खत्म हो जाए ताकि मैं उसे भी साथ ले जा सकूं। और क्या कहा बाबूलाल ने? अरे सब बता तो दिया तुझे। काश उसकी बातें सच हो, लेकिन एक बार ठीक बोला वो बेचारी रेखा, उसे सबसे ज्यादा हमारे सहारे की जरूरत थी और हम ही। मेरी फूल सी बच्ची कितनी होशियार थी, हमेशा पहला नंबर आता था स्कूल में, अफसर बनना चाहती थी वो पुलिस में। तुझे याद है सीता, कैसे बचपन में मेरे साथ चोर सिपाही का खेल खेलती थी? मैं चोर बनता था और वो सिपाही मेरे कान पकड़कर कहती, बाबा आज क्या चुराया है तुमने? मैं उसके गाल चूम कर कहता, तेरी पप्पी। काश समय का पहिया उल्टा घूम सकता। खैर इसमें समय का क्या दोष, गलती तो मेरी अपनी थी। भला स्कूल में पढ़ रही थी और मैंने उसके हाथ पीले कर दिए, तब भी वो मुझसे इतना ही बोली थी कि बाबा आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने अपनी खुशी के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई, सपनों का गला घोट दिया, फिर भी वो बेचारी चुप रही, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। उसने अपनी खुशियों के बारे में सोचा तभी तो ये गुल खिलाए हैं। बस कर सीता बस कर। सोच लिया है, हाँ मैं साथ दूंगा उसका। मैं कल बाबूलाल के साथ जा रहा हूं ICTC। ऐसा क्या पढ़ लिया जो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही हो? आओ इधर, जरा हम भी खुश हो लें। बात ही खुशी की है, नर्स बहन जी पर जो इंक्वायरी हुई थी ना, ये उसी की रिपोर्ट है। उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। उन्हें वापस बहाल कर दिया गया है यहां राजपुरा में।
हाल कर दिया। हाँ मैं सबको बताकर आती हूँ।